अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो 6 मई को पब्लिश हुआ है और इसका उनवान है SBP's चैलेंज। SBP क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और इस चैलेंज यानी कि कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं अब, और हम देखेंगे क्यों ये कहा जा रहा है कि जो मसाइल दरपेश हैं उसका कैसे सामना करना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, आज मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा आहिस्ता भी लेके चलूँ वीडियो को और थोड़े ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी आपको है ना ज़्यादा बता सकूँ। और एक और काम जो आज वो किया है मैंने, सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना वो मैंने मार्क किए हुए हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास वो ग्रीन कलर में आपको नज़र आएंगे और वर्ब जो हैं वो हमारे पास इसमें येलो कलर में है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे पुराने लोग हैं उनको पता है जब भी मैं ये मार्किंग करता हूँ तो ग्रीन जो है ना हमेशा सब्जेक्ट होता है और येलो वर्ब है। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्जेक्ट वर्ब मार्क करना। ठीक है, सब्जेक्ट थोड़ा मैं आपको इस टाइम बता दूँ कि कौन काम कर रहा है या जिस बारे में बात की जा रही होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्ब जो है ना उससे हमें पता चलता है कि किस टेंस में जो सेंटेंस है वो लिखा गया है। ठीक है, और वो हमारे पास जो है वो एक्शन भी ज़ाहिर करता है, स्टेट भी ज़ाहिर करता है। तो इसमें दोनों चीज़ें जब आएंगी तो मैं आपको ज़्यादा बता दूँगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी आज थोड़ा लंबी वीडियो बनाऊँ, थोड़ा डिटेल से कुछ बता सकूँ। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल क्या होता है, आम, मतलब रूटीन के हालात जो अगर होते उसमें, ठीक है, उसमें फिर क्या होता, द गवर्नमेंट डिसीजन टू नॉट गिव डॉक्टर रज़ा बाकर अनदर टर्म एज सेंट्रल बैंक गवर्नर वुड नॉट हैव प्रोवोक्ड मच डिबेट। उनका जो गवर्नमेंट द गवर्नमेंट्स डिसीजन, जो गवर्नमेंट का फैसला है, और क्या फैसला था, टू नॉट गिव डॉक्टर रज़ा बाकर अनदर टर्म, के ना देना डॉक्टर रज़ा बाकर, ये कौन थे हमारे पास सेंट्रल बैंक के, जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है, उनको क्या नहीं उन्हें दिया अनदर टर्म, यानी कि उसके जो मुद्दत थी उसमें क्या है, तोसी नहीं की, वुड नॉट हैव प्रोवोक्ड, उसने प्रोवोक ना किया होता। प्रोवोक करने का मतलब क्या होता है कि मतलब इतना रिएक्शन वो ना आया होता, इमोशन ना आए होते, मच डिबेट मतलब जितनी बात हुई है उस पर ना आई होती। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा हम ब्रेक करके मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इन जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, और इन प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट है सर्कमस्टांसिस, हालात, और नॉर्मल जो है ना वो मॉडिफाई कर रहा है सर्कमस्टांसिस को एडजेक्टिव बनकर, भाई कैसे सर्कमस्टांसिस, कैसे हालात, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। अब कह रहे हैं कि अगर हालात नॉर्मल होते तो फिर क्या है, अब बात किस चीज़ की जा रही है, गवर्नमेंट के डिसीजन की, गवर्नमेंट के फैसले की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या था, गवर्नमेंट का फैसला कि नहीं देना, इसकी तौसी नहीं करनी स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक के गवर्नर के तौर पे, वुड नॉट हैव प्रोवोक्ड, इसने ना इतना ज़्यादा रिएक्शन आया होता, इतनी ज़्यादा डिबेट लोगों ने ना की होती, अगर क्या है हालात जो है ना नॉर्मल होते। ठीक है, लेकिन अब अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें गवर्नमेंट्स डिसीजन हमारे पास, आपको मैं बता दिया था सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है, वुड नॉट हैव प्रोवोक्ड। अच्छा, आगे चलें, बट द प्रेजेंट पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ हार्डली नॉर्मल। लेकिन उन्हें क्या क्या है, बट लेकिन द प्रेजेंट पोलिटिकल, जो मौजूदा पोलिटिकल सियासी एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो हमारी माशी सिचुएशन है कहाँ पर, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, वो क्या है, इज़ हार्डली नॉर्मल। ठीक है, वो क्या है, हार्डली ना के बराबर, वो क्या है, नॉर्मल है, रूटीन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि जी प्रेजेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब हमारे पास क्या है, इज़ है। ठीक है, अच्छा, अब इज़ जो है ये हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है हमारे पास, क्योंकि वर्ब अगर आपने देखी हो तो वर्ब जो है वो एक्शन भी बताता है कि काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, या पास्ट में हुआ है, या स्टेट भी बताता है, हालत बताता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ जी शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, तो देखें यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, ये स्टेट बताई जा रही है कि वो कैसी है, जी वो बड़ी अच्छी टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब जब अकेली आ जाती है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम करती है, वो एक्शन नहीं बताती, वो एक स्टेट बताती है। तो अभी क्या है, ये स्टेट बता रही है कि अभी हमारी क्या सियासी और माशी सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो क्या है, ना के बराबर जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर हमारे पास, बाकी आगे भी यहाँ टेंसेस आएंगे एक्शन वर्ब, वो भी हम डिस्कस करते हैं। द चेंज एट द टॉप कम्स एट अ टाइम वेद द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद अ टेरेबल इकोनॉमिक क्राइसिस एमिड एन अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इज ट्राइंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ IMF फंडिंग टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द डिटेरेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजिशन। ठीक है, बड़ा सेंटेंस है, इसको सारा डिटेल से पढ़ते हैं और इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। उनका दर्द चेंज, चेंज क्या होता है, तब्दीली, कहाँ पे, एट द टॉप। ठीक है, टॉप पे, ठीक है,
यानी कि उनका ज़ाहिर है टॉप मोस्ट पोस्ट होती है इसकी गवर्नर की, तो उन्होंने कहा ये तब्दीली आई है एट द टॉप, सबसे ऊपर कम्स वो आई है एट अ टाइम, उस टाइम व्हेन द कंट्री इज़ ग्रैपलिंग, ठीक है, जब कंट्री क्या है ग्रैपल कर रहा है, ग्रैपल होता है किसी चीज़ से निपटना, ठीक है, बड़ी स्ट्रगल के साथ किसी चीज़ से निपटना, उनका उस टाइम पे ये तब्दीली आई है, ये गवर्नर को चेंज किया है जब मुल्क जो है वो निपट रहा है विद अ टेरेबल इकोनॉमिक क्राइसिस, एक बहुत शदीद जो है ना माशी बहरान से गुजरा है, एमिड, एमिड होता है हमारे पास इन द मिडल ऑफ, उस दौरान, ठीक है, उस दौरान क्या है एन अनसर्टन पोलिटिकल सिचुएशन, एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, एंड इज़ ट्राइंग, और वो कोशिश कर रहा है फॉर द रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन होता है बहाली, बहाली के लिए ऑफ IMF फंडिंग, IMF फंडिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो बहाल हो जाए, और क्यों हो, टू इन्फिनिटिव लगा के बता रहा है, टू रिड्यूस प्रेशर, ताकि कम हो सके प्रेशर, किस पे, ऑन द डिटीरेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन, वो जो ख़राब होती, डिटीरेटिंग होता है ख़राब होती, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन है, उसको क्या किया जा सके, उस प्रेशर जो है उस पर रिड्यूस किया जा सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने दो तीन दिन पहले डिटेल से किया है, ठीक है, वहाँ पे आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ा हम इसको वो देख लेते हैं, ग्रामर देख लेते हैं, उन्होंने कहा द चेंज, ये तब्दीली है, एट द टॉप कम्स, ठीक है, वो आई है। अब चेंज हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, चेंजेस की बात नहीं हो रही, एक चेंज की बात हो रही है, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में वर्ब इसकी क्या आई है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर हमारे पास क्या है, इसकी वर्ब आती है हमारे पास, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास इसकी सिंगुलर वर्ब आई हुई है यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा, अब ये हमारे पास चेंज सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब आ गई, कम्स हो गई, और आई है उस टाइम पे, व्हेन हमारे पास क्या है, कंजंक्शन आ गया, उसके बाद फिर हमारे पास अगला सब्जेक्ट है द कंट्री, किसके बारे में बात हो रही है, मुल्क के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट हो गया, इज़ ग्रैपलिंग, ठीक है, वो निपट रहा है क्या चीज़, एक बहुत ही टेरेबल इकोनॉमिक क्राइसिस से, और उस दौरान क्या है, अनसर्टन पोलिटिकल पोजिशन है, एंड इज़ ट्राइंग। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इसको मैं मार्क करना भूल गया, इज़ ग्रैपलिंग जो है ना, ये इसकी पहली वर्ब है कि मुल्क जो है वो हमारा क्या है, ग्रैपल कर रहा है, निपट रहा है टेरेबल इकोनॉमिक क्राइसिस से, और इस एंड कंजंक्शन के बाद जो है ना, इन्होंने इज़ ट्राइंग लिखा है, और इज़ ट्राइंग किसके लिए, इस कंट्री के लिए लिखा है, इस कंट्री की यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब्स हैं कि मुल्क जो है वो निपट भी रहा है टेरेबल इकोनॉमिक क्राइसिस से, और मुल्क जो है वो इज़ ट्राइंग, कोशिश भी कर रहा है ताकि बहाल किया जा सके IMF फंडिंग, ताकि प्रेशर को कम किया जा सके, ये ख़राब होती बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन पे है, ठीक है। अच्छा, और उसके आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि जी ऑन टॉप ऑफ डेट, ऑन टॉप ऑफ डेट होता है मतलब वो तो थे ही मसले, और भी क्या मसाइल है, इन एडिशन टू समथिंग एल्स, वो जो था वो चीज़ें हैं ही, ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फंडिंग की बात हुई है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास है द एलिवेशन ऑफ डिप्टी गवर्नर मुर्तजा सैयद एज एक्टिंग गवर्नर इंस्टेड ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ डॉक्टर बाकिर परमानेंट सक्सेसर इज ऑल्सो रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द पोलिटिकल अथॉरिटीज इंटेंशन टू कंट्रोल द बैंक फ्रॉम क्यू ब्लॉक अंडरमाइनिंग इट्स रिसेंटली ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब ये समझने के लिए थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जी इमरान खान की हुकूमत में ही हमारे पास SPP जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट आई थी, तरमीम आई थी, ख़ासतौर पर उसमें जो है ना ये कहा गया था कि जी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, तो उन्होंने कहा था कि जी गवर्नमेंट का रोल जो है ना उसमें कम होना चाहिए, और इसको क्या है ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी देनी चाहिए, ठीक है। एक वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा उस पर बुराई वो एतराज़ भी आया हमारे पास अपोजिशन की जानिब से कि जी आपने गिरवी रख दी है, गवर्नमेंट का रोल ख़त्म कर दिया है ख़ुद मुख्तारी दे के, ठीक है। लेकिन अब एक तो वो चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि वो सारा इशू चल रहा था हमारे पास जो ऑटोनॉमी दी थी स्टेट बैंक उसमें एक्ट में, और उसमें दौरान ये क्या हुआ है कि एक तो इन्होंने इसकी मुदत मुलाजमत में जो है ना इसको इन्होंने वो एक्सटेंड नहीं किया, और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, ये कह रहे हैं जी थी एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है, इसको एलिवेशन वर्ड को आप याद रखें एलिवेटर से, एलिवेटर होता है ना, या मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो जो स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, तो वो उस पर जब आप चढ़ते हो पैर रखते हो तो फिर क्या आप ऊपर जाते हो एलिवेटर, ठीक है, तो क्या ऊपर जाना, और यहाँ पर भी ये है एलिवेशन ऑफ डिप्टी गवर्नर मुर्तजा सैयद, कि ये जो डिप्टी गवर्नर था मुर्तजा सैयद इसको उन्होंने एक्टिंग गवर्नर के तौर पर एलिवेट कर दिया, इसको ऊपर ले गए हैं एक दर्जे तरक्की के साथ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डॉक्टर बाकिर परमानेंट सक्सेसर, बजाय इसके कि उन्होंने कहा कि जी ये इतने हालात चल रहे हैं, जिस पर मैंने आपको बताया इसका बैकग्राउंड कि वहाँ पे उन्होंने खुद मुख्तारी की बात की थी, तो काफ़ी ज़्यादा उसके मसाइल चल रहे थे, तो उस टाइम पे बजाय इसके कि चलें ठीक है आपने इसको नहीं देनी थी इसका एक्सटेंड नहीं करना था टेन्योर, तो आप कम अज़ कम जो है वो क्या है कोई
कोई परमानेंट तो इसका सोल्यूशन लाते हैं ना। आपने क्या किया है, इसको उठाया है मुर्तजा सैयद को, डिप्टी गवर्नर को, और इसको एलिवेट कर दिया है एक्टिंग गवर्नर के तौर पे, बजाय इसके कि आप अनाउंसमेंट करते डॉक्टर बाकर के परमानेंट सक्सेसर के तौर पे, ठीक है। इज़ ऑल्सो रेजिंग, ये क्या है, उठा रहा है सवालात, जन्म दे रहा है सवालात को, किससे मुतलिक, अबाउट द पोलिटिकल अथॉरिटीज़ इंटेंशन, कि वो पोलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी इंटेंशन है, उनकी नीयत है टू कंट्रोल द स्टेट बैंक, स्टेट बैंक को कंट्रोल करें फ्रॉम क्यू ब्लॉक, ठीक है। ये पता नहीं ये मिसिंग है, ये आप अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, इसका मुझे नहीं आइडिया इन्होंने लिखा हुआ है कि जी उसको इंटेंशन जो है स्टेट बैंक को कंट्रोल करें फ्रॉम क्यू ब्लॉक, आपको पता है तो इसको थोड़ा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे कह रहे हैं जी, अंडरमाइनिंग इट्स रिसेंटली ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, और इसने क्या किया, अंडरमाइन कर दिया इसकी अफादियत को, है ना, वो कम किया है जो हालिया जो ग्रांट की गई थी, दी गई थी इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको बता दिया, जो चेंज लाया गया था SBP एक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास द एलिवेशन सब्जेक्ट हो गया, किस चीज़ में बात हो रही है, कि इसको एलिवेट जो किया गया था डिप्टी गवर्नर को, और वो क्या कर रहा है, इज़ रेजिंग, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, और इज़ हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और रेजिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ऊपर हमने देखा था इज़ जो है ना बी फैमिली की वर्ब शुरू में कहाँ पे, ये अकेली आई थी, इसके साथ जो है वो कोई भी मेन वर्ब नहीं लिखी हुई थी, तो वो लिंकिंग वर्ब थी, लेकिन इसके साथ अगर यहाँ पे क्या यूज़ हुई है, मेन वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये एक्शन बता रही है कि ये सवालात को उठा रहा है, किससे मुतालिक, कि ये इनकी अथॉरिटीज़ की इंटेंशन थी कि कंट्रोल करें स्टेट बैंक को फ्रॉम क्यू ब्लॉक, अंडरमाइनिंग इट्स रिसेंटली ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा इट इज़ ऑल्सो अनक्लियर, उनका ये क्या है, बिल्कुल अनक्लियर है, अनवाजे है, एज टू हाउ लॉन्ग द गवर्नमेंट प्लान्स टू कैरी ऑन विद दिस इंटरिम अरेंजमेंट, के कितनी देर जो है ना गवर्नमेंट का ये प्लान है कि कैरी ऑन करें, कि इसको जारी रखें, कि ये इंटरिम बुरी अरेंजमेंट है ना, कि आप ठीक है आप ले तो आए हो उसको, डिप्टी गवर्नर को आपने बना तो दिया, एलिवेट तो कर दिया, लेकिन अब ये नहीं पता कि कितनी देर उसको आगे रखोगे। अब यहाँ पे भी देखें, दोबारा लिंकिंग वर्ब यूज़ हुई है, अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो ना, उसी के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा होता है। इस यहाँ पे देखें बी फैमिली की वर्ब, फिर यहाँ पे अकेली आई हुई है, और यहाँ पे भी क्या है, ये स्टेट को बता रहा है कि ये बिल्कुल अनक्लियर है, ये गैर क्या है, मतलब ये चीज़ वाजे नहीं है, ये इस यहाँ पे हमारे पास दोबारा लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पे द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इसमें इन्होंने वो लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसकी वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट में एस का इजाफा करके प्लान्स लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वर्ब उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लाजमी ध्यान रखा करें। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा आपको करवाना है, पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको कराता हूँ इन्वर्जन का। और वो हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा देर आर लिजिटिमेट कंसर्न्स दैट PMLN वॉन्ट्स दिस अपॉर्चुनिटी टू इनफॉर्मली क्लिप द बैंक्स पावर्स, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी देर आर लिजिटिमेट कंसर्न्स, उन्होंने कहा हैं क्या चीज़, लिजिटिमेट जायज़ कंसर्न्स, तहफ़ुज़ात, क्या तहफ़ुज़ात हैं, डैट कंडीशन करके बता रहे हैं, डैट द PMLN वॉन्ट्स, क्या PMLN चाहती है दिस अपॉर्चुनिटी, ये मौका, टू इनफॉर्मली क्लिप द बैंक्स पावर्स, कि वो क्या है, क्लिप कर पावर करने का मतलब होता है आपके किसी इख्तियार जो है ना कम कर देते हैं। उन्होंने कहा जो जायज़ खदशात हैं कि PMLN चाहती है इस मौके का फ़ायदा उठाना, कि इसकी जो पावर्स है बैंक की उसको क्लिप कर दे, उसको कम कर दे। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इन्वर्जन कर बताना था कि देखें हमारे पास जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं ना, वो हमारे पास चलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन खासतौर पर मैं आपको थोड़ा सा कराता हूँ, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, कि जी जब भी खासतौर पर हमारे पास वर्ड देर से स्टार्ट होता है या नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, तो ये जो स्कीम है वो उलट जाती है, उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ जाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, देर से हमारे पास जो है सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और उसके आगे हमने आर लिखा हुआ है, अब ये आर तो वर्ब आ गई, सब्जेक्ट इसका कहाँ पे है, सब्जेक्ट है ये वाला कंसर्न्स, ठीक है। एक किसी खर्चे की बात नहीं हो रही, कंसर्न्स की बात हो रही है, और इसकी वर्ब जो आती है जब भी हम इन्वर्जन करते हैं, वो किसको, सब्जेक्ट को देख के आती है, क्योंकि देर को आती है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है कंसर्न्स, उसको देख के यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर कंसर्न होता तो यहाँ पे इज आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वर्जन था, और इसकी वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और वर्ब जो आएगी वो देख के आएगी सब्जेक्ट को। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसर्न्स था, तो यहाँ पे आ रहा गया, ठीक हो गया। फिर डैट कंजंक्शन है, PMLN हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई हुई है, ठीक हो गया। आगे चलें, करेंगे जी, सीनियर PMLN लीडर एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार रीसेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द फॉल ऑफ द रुपी एंड इंक्रीज डील्स ऑन गवर्नमेंट डेट आर स्ट्रेंथनिंग दिस इंप्रेशन इवन इफ द गवर्नमेंट हैज नो इंटेंशंस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बैंक। अच्छा,
अभी कहना है जी, जो सीनियर जो PMLN लीडर हैं फॉर साबिक फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, उनका रिसेंट क्रिटिसिज्म ने हालिया जो तनकीद की है किस पे, ऑफ द फॉल ऑफ द रुपी, कि जो रुपी की कीमत गिरी है एंड इंक्रीज यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट डेट, और जो इंक्रीज यील्ड्स हैं गवर्नमेंट डेट पे कर्जे पे आर स्ट्रेंथनिंग, वो मजबूत बना रहे हैं दिस इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में आपका जो तासुर होता है, इवन ऑफ बेशक ये कि इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ कि गवर्नमेंट की नहीं है नो इंटेंशन, कोई नीयत नहीं है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बैंक कि आप बैंक पे क्या है असर अंदाज हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें पीछे हमने किया था इज़ रेजिंग, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट था एलिवेशन, सिंगुलर सब्जेक्ट था, और वहाँ पे हमने इज़ रेजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा हुआ था। अब यहाँ पे भी वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस था, और यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि ये लीडर है इसका, किधर गया इसहाक डार, इसने क्रिटिसाइज किया है किन चीज़ों पे, एक तो फॉल द रुपी पे किया है और दूसरा इंक्रीज यील्ड पे किया है ऑन गवर्नमेंट डेट पे, वो क्या है आर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ की बात नहीं हो रही, ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही थी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या होता है, या हम एस के बाद इस के बाद वर्ब की ING फॉर्म लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, और या डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, या हम क्या है आर लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने आर के साथ वर्ब की ING फॉर्म यूज़ की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बस इसमें यही था कुछ देखने वाला, ठीक हो गया। तो बस ये आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाते जाएं और कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, हर सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। अब आगे देखें, उनका दी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स कैन बी अनसेटलिंग, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स क्या होते हैं, ये एक जो तासुर बन के आ रहा होता है, उनका जो सियासी तौर पर ऑप्टिक्स है कैन बी अनसेटलिंग, वो क्या है बड़े अनसेटल करने वाले हैं, परेशान कर देने वाले हैं फॉर द रूलिंग कोएलिशन, किसके लिए जो रूल कर रही है जो हुकूमत में है, कोएलिशन, कोएलिशन होती है गठजोड़, ये सारी पार्टीज का गठजोड़ है, उनके लिए बड़ा जो ऑप्टिक्स है जो इससे सारा सामने नज़र आ रहा है वो क्या है बड़ा अनसेटलिंग है, परेशान करने देने वाला है। विच इज़ ऑलरेडी फेसिंग प्रेशर फ्रॉम द PTI फॉर अर्ली इलेक्शन, जो क्या है पहले ही उससे सामना है प्रेशर, किस चीज़ के लिए PTI से के अर्ली इलेक्शन कराए जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे विच हमारे पास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ है, रूलिंग कोएलिशन के लिए यूज़ हुआ हुआ है, और उसके आगे हमारे पास क्या हुआ हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारे पास यूज़ हुआ है इज़ फेसिंग, ठीक है। वहाँ पे आपने देख लिया था सब्जेक्ट एक से ज़्यादा थे, तो वहाँ पे आर स्ट्रेंथनिंग था, बाकी यहाँ पे भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने इज़ फेसिंग लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, बिसाइड्स इसके अलावा क्या है यहाँ पे, इट विल क्रिएट, ये क्या है क्रिएट करेगा कन्फ्यूजन किसके लिए, एट द सेंट्रल बैंक, किधर गया, बिसाइड्स इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन एट द सेंट्रल बैंक एंड अफेक्ट इट्स डिसीजन मेकिंग एट अ टाइम व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग ऑन द बैक ऑफ अ ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट। अच्छा, ये लंबा सेंटेंस है, इसको पहले हम तोड़ के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा बिसाइड्स यू है इट विल क्रिएट, ये क्रिएट करेगा कन्फ्यूजन कि कब, एट द सेंट्रल बैंक एंड अफेक्ट्स इट्स डिसीजन मेकिंग, कि ये असर डालेगा इसकी डिसीजन मेकिंग पे उस वक्त पे व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग, जब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो क्या है डिप्लीटिंग, वो कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा आप देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, रिजर्व की बात नहीं हो रही, रिजर्व्स की बात हो रही है, ठीक है। और वो क्या है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, उसके बाद प्लूरल वर्ब हमने बनानी है, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट था, उसकी वजह से हमारे पास प्लूरल वर्ब यहाँ पे हमने आर डिप्लीटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और किस चीज़ पे किया है, ऑन द बैक ऑफ ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें इजाफा हो रहा है, डैट हैज़ एक्सपीरियंस, जिसने यो क्या है यो बढ़ के कहाँ पे चला गया है टू ओवर 30 बिलियन, के 30 बिलियन तक चला गया इन द 9 मंथ पीरियड, 9 मंथ पीरियड में 30 बिलियन तक चला गया है, कौन से पीरियड में, फ्रॉम जुलाई टू मार्च, जुलाई से मार्च में, ऑन राइजिंग ग्लोबल एनर्जी फूड एंड अदर कॉमोडिटी प्राइस, और किस वजह से गया है, ये सारे उसने रीजंस यहाँ पे लिखती हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आर डिप्लीटिंग, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे डेट जो है फिर हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, और वो किसके लिए आया हुआ है, डेट ट्रेड डेफिसिट के लिए आया हुआ है, और ये डेट हमारे पास यहाँ पे कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ठीक है। और हैज़ एक्सपेंडेड क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये मैंने लिखा हुआ है, अगर आपने मेरा रोज़ एडिटोरियल वीडियो वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 0312-419-1070, और यहाँ पे है ना मेरी टीम आपसे अपना वो सैम्पल मटेरियल ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है कि भाई इसमें क्या शेयर होना है, एक एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होता, तो आप मैसेज कर दें, तो दिन के एंड पे ना हम आपको जितने भी मैसेज आए होते हैं, तो हम 6-7 जितने भी दिन में मैसेज भेजते हैं वो आपको सैम्पल के मैसेज भेज देते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये इस काबिल है ग्रुप ज्वाइन किया जाए कि ना किया जाए, और 200 रुपीज़ पर मंथ इसकी
हमारे मिनिमम हमने जो है ना चार्जेस रखे हुए हैं अगर आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात कर रहा है कि जी वेल इन्फ्लेशन स्पाइकिंग, स्पाइकिंग होता है बढ़ना, उनका जो इन्फ्लेशन जो है महंगाई है वो बढ़ रही है, और क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीटिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं, द करेंसी फॉलिंग, करेंसी गिर रही है, एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडनिंग, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या है बढ़ रहा है, द बैंक इज फेसिंग, ठीक है। आज के देखिएगा आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और बैंक है इस फेसिंग, वो सामना कर रहा है द फॉर्मेडेबल चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज किस चीज़ का, ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, के प्राइसेस को क्या है स्टेबलाइज करना, उसको मतलब एक हद तक रखना, एंड एक्सटर्नल सेक्टर, और यह है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी मेन चीज़ हुई थी, द बैंक सब्जेक्ट आया था, इस फेसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसकी वह भाई हुई थी। अच्छा, कैन इट ओवरकम दीज हर्डल्स, क्या इस हर्डल्स को, जो मुश्किल है उनको ओवरकम कर सकता है, उनको क्या है उनको मतलब कोई हल निकाल सकता है, वैन द फिस्कल अथॉरिटीज़ डू नॉट सपोर्ट इट, जब उनका फिस्कल अथॉरिटीज़ नहीं सपोर्ट करती बाई ट्विकिंग देयर पॉलिसीज़, कि अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें, ठीक है। अच्छा, फिस्कल अथॉरिटी सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट सपोर्ट, ये हमारे पास क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव किस तरह होता है, डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यहाँ पे डू नॉट के बाद जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सपोर्ट आई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आगे पूछ रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग कैन द बैंक इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट एंड लेट द होम करेंसी फॉल टू अवर डूम स्टे, उनका कितने अरसे तक जो है ना बैंक बढ़ा सकता है इंटरेस्ट रेट, और फिर जो होम करेंसी है उसको क्या है गिरने दे सकता है, एंड लेट द होम करेंसी फॉल टू अवर डूम स्टे, कि वो उसको गिरने दे होम करेंसी को, ताकि अवॉइड किया जा सके, बचा जा सके डूम्स डे, डूम्स डे होता है कोई ऐसी डूम्स डे हो गया हमारे पास, कोई एक ऐसा क्राइसिस जो क्या है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोलिटिकल फिस्कल अथॉरिटीज़ टू कंट्रोल द रनअवे फिस्कल डेफिसिट, उन्हें का आखिर में जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है सियासी और फिस्कल अथॉरिटीज़ की, कि वो कंट्रोल करें, कम करें ये बढ़ता हुआ हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, और फिर क्या करें रिस्ट्रिक्ट करें, महदूद करें इंपोर्ट्स को, किस तरह थ्रू इंक्रीज टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा के इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, एंड अरेंज फॉरेन फाइनेंसिंग, फॉरेन फाइनेंसिंग को अरेंज करें टू श्योर अप द रिजर्व, श्योर अप होता है इंक्रीज, कि उसको ये सारे काम करके ना इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करें, टैक्सेस इंक्रीज करें, फॉरेन फाइनेंसिंग को अरेंज करें, ताकि बढ़ाए जा सके रिजर्व्स को, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ गया है लास्ट पैराग्राफ आ गया है, उनका सोफर द गवर्नमेंट डज नॉट अपीयर, उन्होंने कहा गवर्नमेंट वो क्या है डज नॉट अपीयर, वो नहीं दिखाई देती, टू बी इन अ मूड, कि वो इस मूड में है टू परस्यू प्रूडेंट पॉलिसीज़, कि वो ये ऐसी पॉलिसी को परस्यू करे उसके पीछे जाए जिसके पीछे क्या है कोई मतलब आप कह रहे हैं कि प्रूडेंट क्या होता है बड़े सोच समझ के काम किया गया हो, और वो कह रहे हैं नहीं लगता कि इस तरह है गवर्नमेंट इस मूड में कि जो है ना वो ऐसी पॉलिसीज बनाए ताकि कर्टेल किया जा सके, फिस्कल डेफिसिट कम किया जा सके, फिस्कल डेफिसिट विच अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, जो मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक कुड गो अप, वो जा सकता है 9% से 10% तक ऑफ GDP, अनलेस अनलेस हम क्या है उसके आगे कंडीशन लगाते हैं, और ये कब नहीं जाएगा, अगर जो एक्सपेंसिव एनर्जी सब्सिडीज हैं आर रिवोक्ड, उन्हें रिवोक किया जाता है एंड अदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस, और ये दूसरे गवर्नमेंट क्या क्या बोलते हैं उसे अखराजात उसको क्या है रिड्यूस नहीं किया जाता, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पैसिव में स्ट्रक्चर यूज हुआ है, अनलेस एक्सपेंसिव एनर्जी सब्सिडीज आर रिवोक्ड, क्योंकि अभी देखें अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही वो किस वजह से सब्सिडीज की वजह से नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट वो कहाँ तक चला जाएगा, 9% to 10% ऑफ GDP चला जाएगा अगर जो हमने सब्सिडीज दी हैं उनको रिवोक नहीं किया जाता, ठीक है। ये हमारे पास क्या है प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव, ठीक है। अच्छा, आगे देखें क्या इंडीड यकीन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक शुड कोलैबोरेट, उनका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और सेंट्रल बैंक है उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, कोलैबोरेट आपने बड़ा देखा होगा अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि जी लोग कह रहे होते हैं हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें, हमारे साथ मिल के काम कर लें, तो यहाँ पे भी ये बात करें कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और सेंट्रल बैंक है उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, उनको मिल के काम करना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जितनी हमारे पास शुड कुड वुड ये सारी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक भी है उनको क्या है शुड कोलैबोरेट, उनको क्या है मिल के काम करना चाहिए फॉर प्राइस एंड एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, ताकि वो प्राइस और एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है स्टेबिलिटी लाई जा सके, इस्तेकाम लाया जा सके, बट एक्सेसिव पोलिटिकल इंटरवेंशन, लेकिन उनका यह हद से ज़्यादा बढ़ती हुई सियासी इंटरवेंशन है मुदाखलत है इन द सेंट्रल बैंक फंक्शन, जो सेंट्रल बैंक के जो काम है और वो कौन से हैं मॉनिटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी डिटर्मिनेशन है कैन बी डेट्रोमेंटल, डेट्रोमेंटल होता है नुकसानदेह, उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटरवेंशन की मुदाखलत की कि आप मॉनिटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी को डिटर्मिन करना है वो डेट्रोमेंटल होगी, नुकसानदेह होगी फॉर द इकॉनमी, इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए। आगे कह रहे हैं कि जी आगे यहाँ पे बात करें जी एक मिनट,
अच्छा कह रहे हैं जी द इकॉनमी टुडे इज़ टू वीक टू अफोर्ड सेट पॉलिसीज अगेन। उनका इकॉनमी है ना आजकल वो टू वीक है, बहुत कमज़ोर है टू अफोर्ड कि वो अफोर्ड कर सके इस चीज़ की सच पॉलिसीज अगेन कि हम दोबारा जो है ना इस तरह की पॉलिसीज़ अपना सके। उन्होंने कहा हमारी जो है मईशत वो इस चीज़ के मुतहमल नहीं हो सकती जिस तरह पहले होता आया था एक्सेसिव पोलिटिकल इंटरवेंशन तक जो है ना मॉनिटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी डिटरमिन की जा सके। उन्होंने कहा ये बड़ी नुकसानदेह होगी और आजकल के दौर में हमारी जो मईशत है वो मुतहमल नहीं हो सकती कि वही पॉलिसी जो पहले होती थी वो क्या है अफोर्ड सच पॉलिसीज अगेन, यानी वही दोबारा पॉलिसी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है अच्छा आज मेरी कोशिश थी थोड़ा इसको बड़ी वीडियो बनाई है, थोड़ा कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट वर्ब मैंने मार्क किए हुए थे उससे भी थोड़ा आपका आइडिया हो जाएगा। आपको ये प्रैक्टिस जो है ना ये करनी होगी, कोई भी आप पीडीएफ रीडर ले लें उसमें आप हाईलाइटर ले लें, दो सब्जेक्ट को अलग रंग से मार्क करें, वर्ब को अलग रंग से मार्क करें, आपका आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये आपको पता चले कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है और क्या इसमें मतलब उस काफ़ी ज़्यादा जो है आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर जिस चीज़ पे आपको लगता है कि कमी है तो उसको आप अच्छा फिर उसमें देख लीजिएगा, जिस चीज़ में आपको कमी लगती है उसको आप कर लीजिएगा। बाकी मेरी भी कोशिश होगी ट्यूटोरियल में मैं कम से कम आपको टॉपिक बता दूं कि आपने क्या चीज़ यूट्यूब पर सर्च करनी है और उस लिहाज से आप फिर कोई वीडियोस देख के वो कर लिया करें। जिस तरह आज के उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लाजमी जो है ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिख के सर्च करें, ठीक है, ताकि फिर आपको जो है ना वो मार्क करना ये चीज़ें आ सकें सब्जेक्ट वर्ब, और वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया दो कलर रखें और फिक्स कर लें दो कलर और सब्जेक्ट वर्ब हर एडिटोरियल की कोशिश किया करें। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन महीना डेढ़ महीने में होपफुली है ना वो आप मार्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।